दिल्ली एनसीआर में रावण दहन से पहले ही हवा जहरीली हो गई है। सुबह सुबह लोगों का स्वागत आसमान में धुंध के साथ हुआ। बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा एक्यूआई ने लोगों को चिंता में डाल दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूं अंकिता। दिल्ली एनसीआर में मौसम बदला नहीं कि ठंड के साथ ही जहरीली हवा ने भी दस्तक दे दी है। दिल्ली एनसीआर में लगातार हवा की गुणवत्ता गिरती जा रही है और दिल्ली के लगभग सभी इलाकों का एक्यूआई बहुत खराब दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली से सटे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद समेत एनसीआर के इलाकों में हवा की गुणवत्ता यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। सुबह 7 बजे कई इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। दिल्ली एनसीआर में आज चारों तरफ धुंध की सफेद चादर छाई नजर आई। धुंध की वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम थी। बढ़ते प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में अब ग्रेप 1 के साथ ग्रेप 2 की पाबंदियां भी लागू हैं, लेकिन इसका बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा। लगातार बिगड़ती जा रही वायु गुणवत्ता के बीच रविवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 300 का आंकड़ा पार कर गया था। 157 दिन यानी कि करीब 5 महीने बाद हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंची है। इससे पहले रविवार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB द्वारा जारी किए गए एयर क्वालिटी बुलेटिन के मुताबिक फरीदाबाद का AQI 322, गाजियाबाद का 246, ग्रेटर नोएडा का 354, गुरुग्राम का 255 जबकि नोएडा का 304 दर्ज किया गया था। मौसम विभाग के मुताबिक हाल फिलहाल इस स्थिति से राहत की कोई उम्मीद भी नहीं है और अगले कुछ दिन हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में ही बने रहने का पूर्वानुमान भी जताया गया है। तापमान में गिरावट और उत्तर पश्चिमी हवा के साथ दिल्ली पहुंच रहे पराली के धुएं की वजह से हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। वहीं हवा की गति भी फिलहाल मंद है। दिल्ली में ग्रेप का दूसरा चरण लागू हो चुका है। हवा की गुणवत्ता के आधार पर ग्रेप को 4 चरणों में बांटा गया है। स्टेज 1 AQI का स्तर 201 से 300 के बीच, स्टेज 2 में AQI का स्तर 301 से 400 के बीच होता है, जबकि स्टेज 3 में AQI का स्तर 401 से 450 के बीच होता है, जबकि स्टेज 4 की बात करें तो AQI का स्तर 450 के ऊपर होता है। ऐसे में खराब हवा की वजह से कई लोगों को दिक्कतें भी हो रही हैं। आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत लोगों को महसूस हो रही है। वहीं जानकारों की माने तो हवा में धूल के कण कार्बन मोनोऑक्साइड की मौजूदगी मानकों से कई गुना ज्यादा है। इसकी वजह से दशहरा और दिवाली में पाबंदी के बाद भी पटाखों और आतिशबाजी से हवा की गुणवत्ता और भी ज्यादा खराब हो सकती है। तो इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।